हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी के कॉरेस्पॉन्डेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, मेरा नाम विक्रम राठौर। तो गाइस, आज आपके लिए लेकर आया हूं भाई टाटा की पंच, जो कि भाई मोस्ट डिमांडेड कार बन चुकी है भाई ये इंडिया की भाई, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाटा की सबसे ज़्यादा कार ये वाली है जो कि भाई टाटा में। और इस वेरियंट को भाई आपकी बात करूँ तो भाई इस वेरियंट में आपको मिल जाता है डबल सिलेंडर CNG, और CNG वेरियंट से आपको इसमें आपको डबल सिलेंडर के साथ मिल जाती है, जो कि भाई अच्छा खासा उसमें स्पेस भी मिल जाता है, जो कि बूट स्पेस देखा जाए तो बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। दो एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड 1200 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है, जो कि अच्छा अच्छा मैक्स पावर निकालती है 86.63 BHP 6000 RPM मैक्स टॉर्क 115 Nm 3 सिलेंडर के साथ एंड वेल्स पर सिलेंडर 4 सिलेंडर के साथ। लेकिन भाई मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल गियर सिस्टम मिल जाता है, जो कि भाई अच्छा खासा मतलब पावर आवर में निकाल देती है। लेकिन मोस्ट SUV जो ऊंची गाड़ी है ना भाई, मस्त लगती है। और एक जब रोड पर चलती है, इसका रोड प्रेजेंस जो है ना वो जो कि बहुत ही बहुत बहुत मस्त है। अब बात कर लेते भाई इसके आगे के लुक के बारे में, तो आगे का लुक देख सकते हैं ना कितना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। भाई टाटा का लोगो देख सकते हैं एंड ब्लैक पियानो की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया लग रही है एंड अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, क्रोम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है यहाँ सर भी आपकी। नंबर प्लेट की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, नॉर्मल आपको प्लेट यहाँ से मिल जाती है। एंड लाइट की बात करें तो नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है एंड हैलोजन के साथ आपको लाइट मिल जाती है, प्रोजेक्टर हैलोजन बल्ब मिल जाता है एंड आपको इंडिकेटर या आपको एक हैलोजन बल्ब के साथ एक लाइट और मिलती है। भाई लुक तो बहुत बढ़िया लगता है एंड SUV गाड़ी है भाई। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल आप इसका देख सकते हैं। अब टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन में आपको मिल जाते हैं 4 नट के साथ अलॉय मिल जाता है, जो कि और R15 इंची आपको अलॉय की साइज मिल जाती है। एंड साइड के वारबिम पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, क्रोम की गार्निश नहीं है इसमें, सेंसर बटन, कीलेस एंट्री, टू फ्रेल्स नहीं है, 50 लाख की बैजिंग सेलिब्रेशन, ये आपकी पीछे की साइड आपको यहाँ से खोलनी पड़ती है। अब आते हैं बैक, यहाँ पर देख सकते हैं टाटा अंदर ही बैजिंग है इसकी। अब आते हैं बैक लुक, ये आपका एंटीना हो गया। अब देख सकते हैं इसका बैक लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टाटा का लोगो, नीचे कैमरा, पंच की बैजिंग, CNG की बैजिंग, नंबर प्लेट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर एंड देख सकते हैं आप इसकी टेल लाइट, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, अच्छी लगती है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है। फ्यूल टैंक, और अब चलते हैं इसके अंदर की साइड। बस खोलते हैं अंदर की साइड चलते हैं इसके। चुके हैं भाई पंच के अंदर, और भाई जो पंच के अंदर आने का फील है ना, जो फील होता है ना वो एक SUV गाड़ी की तरह होता है। मतलब एक SUV तो लगती ही है, और भाई SUV जो इसके अंदर बैठते हैं ना तो एक SUV का ही फील होता है पूरा भाई। जो ऊंची गाड़ी है एंड भाई जो इसका फील है ना चलाने का, भाई इसका नाम ना पंच नाम से ही बिक रहा है, यही है इसका। इस साइड आप देख सकते हैं भाई चारों पावर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ओवर व्यू सेट करने को सेंटर लॉकिंग आपके हो गया एंड ब्लैक पियानो में आपको डोर हैंडल मिल जाता है, ट्विटर आपका इस साइड हो गया, ट्विटर आपको इस साइड भी हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं इसका, बीच में आपका टाटा का लोगो मिल जाता है, इस साइड आपको फ्रंट कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इस साइड आपको कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते, बीच में आपको हॉर्न हो गया दोनों साइड आपका एंड आप देख सकते हैं आपको टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर दो डंडी मिल जाती है आपको यहाँ सर, आप सेट कर सकते हैं इसको। इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब आते इस साइड, तो भाई इस साइड देख सकते हैं आप हरमन का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है एंड आपको हजार बटन ये हो गया एंड आप देख सकते हैं गोल्डन में आपको ये फिनिशिंग मिल गई है, जो कि भाई बढ़िया एक प्रीमियमनेस दिखाते हैं, मतलब बढ़िया लगता है। और ये आपके दो AC वेंट्स हो जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं एंड आप ये देख सकते हैं ये जो फिनिशिंग है जो कि बहुत बढ़िया है।
और ये आपकी वुडन फिनिशिंग मिल जाती है। हार्ड प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक जो टाटा की जो लोहा है ना वो तो है ही बढ़िया, एंड इसकी जो प्लास्टिक है प्लास्टिक भी भाई बहुत ज़्यादा यूज करती है हार्ड प्लास्टिक का। इस साइड आप अंदर भी आपको ग्लव बॉक्स में आपको एक मिल जाती है लाइट, जो कि अच्छा खासा इसमें स्पेस आपको मिल जाता है। 5 स्पीड आपको मैनुअल गियर सिस्टम मिल जाती है, आपकी गाड़ी CNG में आती है एंड पेट्रोल। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर आपको AC मिल जाती है, एक USB, एक एन टाइप सी, एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, बाकी कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, सीट वीट के कंट्रोल्स वेंटिलेटेड आपको मिल जाती हैं, एंड एक आपको यहाँ पर मिल जाता है एक सॉकेट 5 वोल्ट का, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, एंड की का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है, हैंड ब्रेक आपका ये हो गया, एंड आपकी जो आर्मरेस्ट है ना वो इस तरह का दिया गया है जो कैप्टन सीट सी है। पीछे आपको कोई ऐसी कैप्टन सीट नहीं है, बाकी बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं है। हेडरेस्ट आपको दोनों एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड आपको यहाँ बीच में लाइट मिल जाती है। इट स्पीच पर स्पीकर हो गया, सनवाइजर के पास कोई आपको मिरर वगैरह नहीं है इसमें, इस साइड आपको एक मिरर मिल जाता है IRVM। बाकी आप बोनट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा खासा दिख जाता है, बाकी स्पेस अच्छा खासा इसमें है। बाकी आपको ये मैनुअल करनी पड़ती है, मैनुअली आपको करनी पड़ेगी, यहाँ से सब मैनुअली इसका सीट का एडजस्ट करने का। और अब चलते हैं इसके पीछे, और पीछे का स्पेस देखते हैं। तो गाइस मैंने ये सीट तो एडजस्ट करके नहीं बैठी थी, क्योंकि मैंने पीछे कर रखी थी, तो पीछे ही आई सीट अभी तक, तो मैंने पीछे ही करके इस पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं स्पेस देख लेता थोड़ा। बाकी अगर देखो इस तरह से अगर कोई बैठ के भी चलाएगा ना, जब भी मेरे पास स्पेस है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये जो घुटने से हैं मतलब पैर अड़ रहे हैं इसमें, मतलब सही है स्पेस तो अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, जो कि प्रीमियम लगता है, और प्रीमियम ही है, मतलब एक अच्छा इंटीरियर लग जाता है। दोनों साइड आपको हेडर और ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको लाइट नहीं दी गई है, आगे ही आपको लाइट मिल जाती है। बाकी 3 लोग आराम से आप बैठ सकते हैं, एंड 4 लोग भी एडजस्ट हो जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, बाकी 3 लोग के लिए आराम से सीट इसमें है। बीच में आपको एड्रेस आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलते वाले। बाकी स्पेस तो अच्छा खासा है, पीछे आपको AC वेंट आपको नहीं है, ट्विटर एक स्पीकर और एक स्पीकर, मतलब 4 यहाँ पर मिल जाते हैं। चलते हैं इसके पीछे, तो भाई स्पीच चलते हैं इसके डबल सिलेंडर के साथ। आपको जो बूट स्पेस मिलता है ना, उसकी तो भाई बात ही अलग है। जैसे कि मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा ना, जब आप देखोगे ना 2 सिलेंडर उसके साथ मिल जाते हैं, और अदर्स उसके साथ आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है, जो कि 366 लीटर का आपको मिल जाता है इसका बूट स्पेस, जो कि आप देख सकते हैं 366 लीटर का। एंड इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है लैंप के साथ, आप देखना नीचे, इसको आप उठाइए और इस पर आपको मिलेंगे भाई 2 सिलेंडर। ये देख सकते हो 2 सिलेंडर के साथ आपको CNG के सिलेंडर मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको स्पेस भी मिल जाता है अच्छा खासा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे ये गाड़ी पंच। एक पर्सनली बताऊँ ना कि एक बजट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, मुझे ये टाटा पंच मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और एक अच्छी एक सेडान और मतलब एक अच्छी एक SUV मानी जाती है। और जब इसका रोड प्रेजेंस चलता है ना, वो अलग ही दिखता है, जब रोड पर दौड़ती है ना वो अलग ही दिखता है, एक टाटा की पंच। भाई इसने नाम कर दिया अभी टाटा ने, पंच ने। मुझे आई लाइक टाटा और पंच मुझे बहुत बड़ी लगी, एंड लाइक करें वीडियो को।